subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. चित्रकूट का नाम तो सुना ही होगा, ये वही जगह है जहां भगवान राम ने 14 साल तक वनवास काटा था। बहरहाल हम भगवान राम की कहानी नहीं बताने जा रहे हैं, बल्कि इस विधानसभा सीट पर हाल में हुए चुनाव से जुड़े एक ऐसे दिलचस्प शख्स से वास्ता कराने जा रहे हैं जो लोगों के दिलों में राज करता है। उसके पास न पैसा है न पावर है, लेकिन लोगों के दिलों में राज करने का जुनून जरूर है। इनसे सीखा जा सकता है कि कैसे जमीन पर रहकर सियासत के दिग्गजों को धूल चटाई जा सकती है, कैसे लोगों की जरूरत में काम आया जा सकता है। क्योंकि एक तरफ पैसा और पावर का बाहुबल था जिस पर बीजेपी ने दांव लगाया था, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे नेता पर दांव लगाया जिसके पास सिर्फ प्रॉपर्टी के नाम पर 30,496 रुपए थे। मतलब जहां चुनावों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं, वहां एक मामूली सा शख्स जो लोगों के बीच काम करता आ रहा था, उसने पैसे और पावर का दम दिखाने वालों को धूल चटा दी। एडीआर की जानकारी के मुताबिक 403 विधानसभा सीटों से जीतकर आए विधायकों में सबसे गरीब विधायक चित्रकूट विधानसभा से है। तो चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं। जय राम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद। हमारी कोशिश होती है कि आप तक हर वो जानकारी पहुंचाई जाए जो आपसे जुड़ी है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ दूसरे दोस्तों तक भी वीडियो पहुंच सके। आप जिनके कंधे पर हरा साफा और सिर पर लाल ढाका देख रहे हैं, दरअसल वो चित्रकूट विधानसभा सीट से विधायक अनिल प्रधान हैं, जिन्होंने बीजेपी के राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को 20,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से हराया है। इनकी लोकप्रियता और लोगों के बीच पैठ का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि वो अपने विरोधी खेमे के लोगों के साथ भी वैसा ही नाता रखते हैं जैसा अपने संगठन के साथियों के साथ रखते हैं, या कहें कि वो जिन लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं उनमें वीएसपी के जिला पंचायत सदस्य अरुण पटेल के कंधे पर अनिल प्रधान का हाथ है। दूसरी तरफ अपना दल एसके नेता अरुण पटेल हैं, जिनके साथ अनिल प्रधान की तस्वीर है। अनिल प्रधान के पास दौलत के नाम पर तो ज्यादा कुछ नहीं है, लोगों के बीच प्यार और सम्मान के नाम पर बहुत कुछ है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि 403 विधानसभा सीटों से जीतकर आए विधायकों में से सबसे गरीब विधायक अनिल प्रधान ही है। ये बात एडीआर की रिपोर्ट से सामने आई है, जिससे पता चलता है कि 403 विधायकों में 366 विधायक करोड़पति हैं, लेकिन अनिल प्रधान के पास सिर्फ बैंक बैलेंस के नाम पर 30,496 रुपए हैं। इनके पास कोई जमीन नहीं है, कोई वाहन नहीं है, असलहा नहीं है, मकान भी नहीं है। उन्होंने पूरा चुनाव चंदे के पैसों से लड़ा और उसके बावजूद 20,000 से ज्यादा वोटों से योगी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा पाए चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को हराने में कामयाब रहे। जब उनके विरोधी लग्जरी गाड़ियों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे थे, पैसे और पावर की धमक दिखा रहे थे, तब अनिल प्रधान साइकिल चुनाव चिन्ह से अपनी किस्मत का फैसला लिखने के लिए साइकिल से ही चुनाव प्रचार कर रहे थे। इनकी तस्वीरों को देखेंगे तो बहुत ही साधारण दिखाई देती हैं, जिसमें हरे रंग का कुर्ता और सफेद पायजामा इनकी पहचान है। सिर पर कभी हरा तो कभी लाल गमछा बांधे लोगों के बीच दिखाई देते हैं और पैरों पर हवाई चप्पल होती है। इनकी पहचान लोगों की परेशानियों में हर समय उनके साथ रहने की है। लोगों के लिए अक्सर सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। अगर किसी की सुनवाई नहीं होती है तो वो खुद उनकी लड़ाई को अपना बना लेते हैं और उनकी लड़ाई के लिए कई बार तो अनशन तक कई कई दिनों तक के लिए बैठे दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से लोगों के बीच अच्छी पकड़ बनाने में कामयाब रहे, जिसका नतीजा ये है कि एक राज्य मंत्री को हराने में कामयाब रहे। वैसे सियासत में पैसे पावर और अपराध का कॉकटेल चलता है, लेकिन अनिल प्रधान का उन नेताओं में भी नाम शामिल नहीं है, क्योंकि एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी विधानसभा में जीत कर आने वाले विधायकों में 51% विधायक यानी कि 205 विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं, जबकि 39% विधायकों के खिलाफ गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। उनमें से
सबसे ज्यादा अपराध के खिलाफ हल्ला बोलने वाली पार्टी बीजेपी में 111 विधायक ऐसे जीत कर आए जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है जिनके 71 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमों में लिप्त 95 विधायक बीजेपी के हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 48 विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जो गंभीर हैं। इस रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जिससे आप देख सकते हैं कि किस पार्टी में कितने आपराधिक प्रवृत्ति के विधायक हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के जरिए मिली जानकारी पसंद आई होगी। आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और कमेंट कर अपनी राय देने की कोशिश करें। अगर आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं तो आप हमारे Facebook पेज को लाइक करें, और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी मदद करें। धन्यवाद।